रश्मि देसाई, आप दूसरों के साथ भी कनेक्शन बनाइए। पहले आप अरहान के साथ दिखती थी, अभी सिर्फ आसिम के साथ दिखती हैं, तो आप दूसरे लोगों के साथ भी कनेक्शन बनाइए। बाकी आप बहुत अच्छा खेल रही हैं। पारस, आप जो पहले गेम खेल रहे थे वो बहुत अच्छा था, बट अभी जब से आप सिद्धार्थ वाली टीम में आए तो मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप अपना पहला वाला गेम खेलिए। विशाल सिंह, आप बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। मधुरिमा के लिए मेरा कोई सजेशन नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ करने वाली है, उसके लिए मेरा कोई सजेशन। मुझे सिद्धार्थ बहुत अच्छा लग रहा है, सिद्धार्थ बहुत अच्छा खेल रहा है। सिद्धार्थ और आसिम, शहनाज और अभी रश्मि देसाई भी वापस से फॉर्म में आ रही हैं, सो ये चारों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पारस थोड़े से डल हो गए। मुझे लगा था कि शहनाज की कैप्टनसी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि उसकी सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। उसकी किसी ने मानी नहीं, सबने अपनी मनमानी करी। मतलब ऐसा था कि जिसको जो करना है सोना है तो सोते रहो, काम करना है करो, नहीं करना है मत करो। बेचारी खुद कैप्टन थी और खुद ही काम कर रही थी, तो बहुत अच्छी निकली नहीं उसकी कैप्टनसी, किसी ने मानी ही नहीं उसकी बातें। शहनाज और सिद्धार्थ मुझे लगता है कि सबकी फेवरेट जोड़ी है वो, और मेरी भी फेवरेट है। और माहिरा और पारस वाली जोड़ी तो मुझे समझ आती नहीं है एक्चुअली वो। यार मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि अभी बिग बॉस 13 जो है उसमें इतना ड्रामा है, सो आई एम श्योर सभी को मज़ा आ रहा है बिग बॉस 13 में। बोरियत तो होती ही नहीं है, क्योंकि हर एपिसोड में इतना ड्रामा होता है। गालियाँ देना बंद कर दीजिए प्लीज़, बाकी आपका गेम बहुत अच्छा है, सिर्फ गालियाँ देना बंद कर दीजिए। हाँ, क्योंकि बिग बॉस आता है और बहुत जल्दी चला जाता है, और वो टाइम स्लॉट पे क्योंकि आदत हो जाती है बिग बॉस देखने की, तो बड़ा मुश्किल होता है कि शेट अब नहीं आएगा बिग बॉस, लेकिन इस बार बढ़ा दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यार देवोली ना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उसकी स्पाइन में बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुई है, और मुझे लगता है कि हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो जब वो अंदर भी थी तो वो कोई टास्क नहीं कर पा रही थी, और उसे प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा था। मेडिकल ठीक है, वहाँ पर जो भी हेल्प मिल रही थी, बट फिर भी स्पाइन में पूरा बेड रेस्ट होता है, तो वो नहीं उसे मिल पा रहा था। तो मेरा वही था कि मतलब उसे बाहर आना चाहिए, और पहले प्रॉपर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ सबसे पहले है, बाकी सब सेकेंडरी है। अभी मेरी बात नहीं हुई, मैं बाहर गई हुई थी, लेकिन अभी आज ही मैं उसे फ़ोन करने वाली हूँ। अभी तक मेरी कोई बात नहीं हुई है, सो आज मैं उसे फ़ोन करूँगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया उसमें, तो मतलब एक तो वो बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रही थी, उसका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था, और उसने जो बाल कट किए हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है, उसका नया वाला लुक। और अंदर आके थोड़ी देर के लिए आई, लेकिन ऐसे बम फोड़ के गई है वो कि मज़ा आ गया मुझे। मैं सच बताऊँ तो मुझे उसका जो वो सिद्धार्थ के साथ वो जो केमिस्ट्री है ना, मुझे वो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अरहान वाला टॉपिक हो गया, बहुत हो गया, मतलब सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं, हॉट टॉपिक होता है लोगों का अरहान। बट मुझे वो सिद्धार्थ और उसका वाला जो है ना, कि सबसे वो कुछ ना कुछ पूछ रही थी, और जैसे ही सिड को OMG आप सिर्फ मुझे देखते रहिए ना, तो मतलब मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था वो ब्लश करके, जो मतलब उस सबसे अच्छा मतलब वो था सिद्धार्थ और देवो वाला। मुझे नहीं लगता कि घर के बाहर कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उन दोनों का बना नहीं है। बहुत अच्छा होगा अगर देखने को मिलता है, बट मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा। मुझे सिद्धार्थ बहुत अच्छा लग रहा है, सिद्धार्थ बहुत अच्छा खेल रहा है। सिद्धार्थ और आसिम, शहनाज और अभी रश्मि देसाई भी वापस से फॉर्म में आ रही हैं, सो ये चारों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पारस थोड़े से डल हो गए। सिद्धार्थ अभी उसकी तबीयत बहुत दिन से ख़राब है, सब लोग जानते हैं, बट स्टिल कोई भी एपिसोड देखो वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो शांत बैठा रहेगा, वो हर एपिसोड में कुछ ना कुछ करता है। एट द एंड रियलिटी शो हो, नॉर्मल शो हो, हम लोग मतलब एज अ व्यूवर हम लोग इंटरटेन होने चाहिए, और वो इंटरटेन करता है, तो वो चीज़ है। जबकि उसकी तबीयत ख़राब है फिर भी वो सबसे एक्टिव रहता है। उन दोनों की केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है, रूठना मनाना, वो नोक झोंक, कोई किसी से जाके बात करता है तो दूसरा वाला गुस्सा हो जाता है, बड़ा फिल्मी है उन दोनों का, मतलब बहुत फिल्मी लगता है। और वो ऐसा भी नहीं कि वो स्क्रिप्टेड लगता है, बहुत रियल जो भी निकल गया था बहुत रियल आता है, और बड़ा फिल्मी है यार। मुझे तो बहुत मज़ा आता है उन दोनों को साथ में देखने में। मुझे लगा था कि शहनाज की कैप्टनसी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी,
क्योंकि उसकी सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बट वैसा कुछ हुआ नहीं, उसकी किसी ने मानी नहीं, सबने अपनी मनमानी करी। मतलब ऐसा था कि जिसको जो करना है सोना है तो सोते रहो, काम करना है करो, नहीं करना है मत करो। बेचारी खुद कैप्टन थी और खुद ही काम कर रही थी, तो बहुत अच्छी निकली नहीं उसकी कैप्टनसी, किसी ने मानी नहीं उसकी बातें। सिद्धार्थ और आसिम दोनों अग्रेसिव हैं थोड़े से, और वो नॉर्मली भी उनका जो बात करने का तरीका है, उनका जो टोन है वो मतलब ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मली हमें देख के शायद ऐसा लगेगा कि वो चिल्ला रहे हैं, बट वो नॉर्मली भी बात कर रहे होते हैं ना, तो उनका मतलब थोड़ा सा वो दोनों लाउड हैं, सो वो चीज़ है। तो नॉर्मल वो कोई बात बोल भी रहे होते तो लगता है कि अरे बाप रे कितना झगड़ा हो रहा है, क्या हो गया ऐसा, बट वैसा मुझे लगता है कि कुछ है नहीं। वो दोनों और स्पेशली जब वो दोनों आपस में बातें करते हैं तो लगता है बहुत झगड़ा हो रहा है, जो कि हो नहीं रहा होता है। दोनों अपनी अपनी बात रख रहे होते हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। सिर्फ ख़राब तब लगता है जब गालियाँ वालियाँ शुरू हो जाती हैं, वो ख़राब लगता है। शहनाज और सिद्धार्थ मुझे लगता है कि सबकी फेवरेट जोड़ी है वो, और मेरी भी फेवरेट है। और माहिरा और पारस वाली जोड़ी तो मुझे समझ आती नहीं है एक्चुअली, वो मुझे नहीं पता कि वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस को, और मुझे लगता भी नहीं है कि वो दोनों कोई जोड़ी है, ना दोस्ती दिखती है ना प्यार दिखता है। और सेम गोज़ विद विशाल एंड मधुरिमा, उन दोनों का भी उतना मुझे कुछ समझ नहीं आता है, बट शहनाज और सिद्धार्थ वाला बहुत रियल लगता है और बहुत इंटरटेनिंग लगता है। यार देखो वो सच में विशाल के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो दोनों जब भी दिखते हैं सिर्फ एक दूसरे के साथ दिखते हैं। विशाल फिर भी मतलब दूसरों के साथ थोड़ा उसका है कनेक्शन, मधुरिमा का तो किसी और के साथ कुछ है ही नहीं, तो वो मतलब अगर 5 मिनट के लिए एपिसोड में दिखेगी तो वो सिर्फ विशाल के साथ दिखती है, उसके अलावा किसी और के साथ दिखती ही नहीं है, तो फिर कुछ गलत नहीं बोल रहे हो। बेस्ट तो मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, आसिम सिद्धार्थ और रश्मि देसाई, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और वर्स्ट मधुरिमा, वर्स्ट में कौन कौन है अभी बचा, कौन कौन है? अरहान तो चले गए, तो आई थिंक शेफाली बग्गा अच्छा खेल रही है, वो स्ट्रॉन्ग है, तो वर्स्ट में आई थिंक मधुरिमा, माहिरा एंड और कौन है, नहीं पारस अच्छा खेल रहा है, और है और बचा कौन है, हाँ तो बेस्ट सिद्धार्थ रश्मि, नहीं बेस्ट सिद्धार्थ आसिम शहनाज रश्मि 4, हाँ, और वर्स्ट मधुरिमा एंड माहिरा। मुझे लगता है कि रश्मि ने इस घर के अंदर आने के बाद इतना कुछ देख लिया, वो एक रिलेशनशिप में थी या दोस्ती थी जो भी था, इतना वो उसके ऊपर मतलब वो उसको बिलीव था, और इस घर के अंदर ही जब सलमान ने उन्हें बताया कि उनकी शादी हो चुकी है, उनका बच्चा है एंड ऑल, तो मुझे लगता है कि कभी कभी होता है ना कि जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होता है वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है और वो हमें बहुत स्ट्रांग बना देता है। लास्ट टाइम जब अरहान गया था तो वो बहुत वीक दिखी थी, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हुआ है, जब अरहान गए हैं तो वो उल्टा स्ट्रांग दिख रही हैं, और आसिम और रश्मि की बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग हो रही है, जिसमें बहुत मज़ा आ रहा है। गालियाँ देना बंद कर दीजिए प्लीज़, बाकी आपका गेम बहुत अच्छा है, सिर्फ गालियाँ देना बंद कर दीजिए। रश्मि देसाई आप दूसरों के साथ भी कनेक्शन बनाइए, पहले आप अरहान के साथ दिखती थी, अभी सिर्फ आसिम के साथ दिखती हैं, तो आप दूसरे लोगों के साथ भी कनेक्शन बनाइए, बाकी आप बहुत अच्छा खेल रही हैं। माहिरा आप जो पारस बोलते हैं आप वो ही करती हैं, तो आप अपना कुछ कीजिए। पारस आप जो पहले गेम खेल रहे थे वो बहुत अच्छा था, बट अभी जब से आप सिद्धार्थ वाली टीम में आए तो मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप अपना पहला वाला गेम खेलिए। शेफाली बग्गा जब स्टार्टिंग में आई थी ना, स्टार्टिंग के 2 हफ्ते वो बहुत 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 स्ट्रांग नज़र आ रही थी, लेकिन अभी कहीं खो गई हैं वो, तो वापस से जो स्टार्टिंग के 2 हफ्तों में आपकी एनर्जी थी वापस वो एनर्जी लेके आई है। यार उनको मुझे कोई उनके लिए मेरा कोई सजेशन नहीं है, वो पहले भी कोई बहुत अच्छा नहीं खेल रही थी, अभी भी कोई बहुत अच्छा नहीं खेल रही हैं, उनके लिए मेरा कोई सजेशन नहीं है। विशाल सिंह आप बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो आप पहले तो एक डिसाइड कर लो कौन आपके फ्रेंड्स हैं कौन नहीं है, क्योंकि आप कभी इधर दिखते हो कभी उधर दिखते हो, तो आप सबसे पहले डिसाइड करो आप किसके साथ हो और किसके साथ नहीं हो। मधुरिमा के लिए मेरा कोई सजेशन नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ करने वाली है, उसके लिए मेरा कोई सजेशन नहीं है।
आई थिंक दलजीत कौर, वो बहुत जल्दी निकल गई, तो मैं देखना चाहती थी उनकी जर्नी. मेरी फ्रेंड है सुने ना, उसकी वो बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मैंने दलजीत के बारे में बहुत सुना हुआ है कि वो कितनी पॉजिटिव लड़की है, तो मैं उनकी जर्नी देखना चाहती थी आगे भी. सो वो बहुत जल्दी चली गई, तो मैं अगर किसी को वापस चाहती हूँ देखना, तो वो आई थिंक दलजीत है. हाँ एग्जैक्टली. और इंडस्ट्री से पूरा इतना सपोर्ट था उन्हें, तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी चली जाएंगी. वो बहुत जल्दी चली. या मेरे को नहीं पता मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस बार का जो बिग बॉस है वो देखने के बाद मैं डर गई हूँ, क्योंकि घर के अंदर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. और इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं वो बाहर जितने अच्छे दिखते हैं, जितने प्यारे दिखते हैं, वो अंदर जाने के बाद पता नहीं उन्हें क्या हो गया है. सो मुझे नहीं पता मैं जाना चाहूँगी कि नहीं जाना चाहूँगी. और मैं बिग बॉस के घर में